Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, क्योंकि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसकी स्टार्टिंग स्ट्रेटजी से होती है. दो वर्ड है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटजिक एंड सेकंड वन इज द मैनेजमेंट. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज अ स्ट्रेटजी, क्या होती है स्ट्रेटजी. अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है समथिंग दैट हैज टू डू विद वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एन एनिमी. यानी कि स्ट्रेटजी का मतलब है वॉर के टाइम पर जो भी पर्टिकुलर पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं, जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, और एनिमी को डिसेप्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी किया जाता है उसको स्ट्रेटजी का नाम दिया गया था. क्योंकि जो स्ट्रेटजी वर्ड था वो पहले, अगर हम पुराने टाइम की बात करें जब युद्ध होते थे, व्हेन देयर वाज वॉर बिटवीन टू किंगडम्स, दो राज्यों के बीच में जब युद्ध होता था, तो उस समय हर एक राजा क्या करता था, दूसरी राज्य की सेना को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए उसको स्ट्रेटजी डेवलप करता था कि किस तरीके से दूसरे राजा की सेना को हराया जा सके और अपनी विक्ट्री एंश्योर की जा सके. उसके लिए हर किसी की तरफ से जो भी किंगडम्स होते थे वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते थे. अब हम बात करते हैं अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी का मतलब इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है. इट इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि है क्या कि अगर मैं बिजनेस की बात करूं, देन बिजनेसेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर परस्यूट ऑफ देयर मिशन. अपना मिशन अचीव करने के लिए बिजनेसेस एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं, और ये एनवायरनमेंट कैसा है, इट इज वेरी डायनेमिक एंड इट इज वेरी हॉस्टाइल. और इसी को ध्यान में रखते हुए हर बिजनेस फर्म को स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपने रिसोर्सेज के साथ में प्रॉपरली मैच कर सके और अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर सके. तो एक तरीके से जब मैं कंपनी की स्ट्रेटजी की बात करता हूं, तो ये एक गेम प्लान होता है, और अपनी मार्केटिंग पोजीशन को स्टैंड करने के लिए, उसको हायर करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा इसका यूज किया जाता है. इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस उसको कंडक्ट करने होते हैं, अपने कस्टमर्स को उसको अटैक करना होता है, उनको खुश करना होता है, प्लीज करना होता है, इसके साथ साथ मार्केट में प्रॉपरली कॉम्पीट भी करना होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है. तो इन सारी पर्टिकुलर एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए कंपनी एक गेम प्लान तैयार करती है. इस गेम प्लान को हम स्ट्रेटजी का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेटजी के प्रॉपर डेफिनेशन को फोकस करूं, तो इसकी एक डेफिनेशन दी सकती है, अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन व्हाट इट वांट्स टू बी व्हाट इज वांट्स टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो. यानी कुल मिला के ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसकी डिजायर्ड इमेज के ब्लूप्रिंट की लॉन्ग रेंज को रिप्रेजेंट करता है. ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन और डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है जहां ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है, और जहां ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहती है, उसके रिलेशन में एक डिजायर्ड इमेज ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपेयर की जाती है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है. तो हम इस लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट को स्ट्रेटजी का नाम देते हैं. ओके, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी है इट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग organizational activities, utilizing and allocating the scarce resources within the organizational environment to direct efforts and behavior to handle events and problems
to perceive and utilize opportunities and to meet challenges and threats to corporate survival and success. यानी कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना, जो भी उसके पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए उन स्कार्स रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उन्हें प्रॉपरली डिफरेंट एक्टिविटीज में एलोकेट करना, जो भी एफर्ट्स पुटअप किए जा रहे हैं, जो भी बिहेवियर्स फॉलो किए जा रहे हैं उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना, इवेंट्स और प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली हैंडल करना, मार्केट में एनवायरनमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको परसीव करना, उनको यूटिलाइज करना, जो भी चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, उनको मीट आउट करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली सर्वाइव कर सके और एक सक्सेस को अचीव कर सके. तो इसको एक स्ट्रेटजी का नाम दिया गया है. स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उनको फिल करना, और इस तरह से फिल करना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस को अचीव कर सके, और इसके साथ साथ जो डायनेमिक डायरेक्शन है उनको भी ध्यान में रखा जाता है. उन डायनेमिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उनके अकॉर्डिंग एक गेम प्लान को डेवलप किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर सके. इसके साथ साथ जो स्ट्रेटजी है वो एक तरीके का टॉप मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क डिजाइन करके देती है, और इस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के बेसिस पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो मार्केट में जो भी बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इवेल्युएट कर सकता है, उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर सकता है. इसके साथ साथ जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं या जो भी क्राइसिस हैं उनको भी मीट आउट कर सकता है. इसके साथ साथ वो अपनी रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ्स का फुल यूटिलाइजेशन भी कर सकता है, और जो भी कॉर्पोरेट वीकनेसेस हैं उनको वो एक तरफ रख सकता है. इसके साथ साथ जो भी मेजर डिसीजंस हैं उनको फॉलो किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली अपने गोल्स को अचीव कर सके. जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो एक तरीके के ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जो पार्शियल इग्नोरेंस और अनसर्टेनिटी से भरपूर है, और इस टाइप के एनवायरनमेंट में डिसीजन लेना बहुत ज्यादा टिपिकल होता है. और इस टाइप के एनवायरनमेंट में डिसीजन लेने के लिए जो मैनेजमेंट है या टॉप मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली स्ट्रेटजी पर ही डिपेंडेंट होता है. स्ट्रेटजी को डेवलप करके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए गेम प्लान को डेवलप करके ही वो सक्सेस को एंश्योर कर सकता है. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रेटजी. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है स्ट्रेटजी की. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन बाय आइगर एच एंसॉफ. तो आइगर एच एंसॉफ ने क्या कहा स्ट्रेटजी के बारे में, स्ट्रेटजी इज द कॉमन थ्रेट अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट्स दैट डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन वॉज और प्लान्ड टू बी इन फ्यूचर. यानी कि इन्होंने स्ट्रेटजी को एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के कॉमन थ्रेड के रूप में प्रेजेंट किया, और ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी के साथ में प्रोडक्ट मार्केट को भी इसमें इनके द्वारा इन्वॉल्व किया गया. ये इस तरीके से इन्वॉल्व किए गए जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के एसेंशियल नेचर को प्रॉपरली डिफाइन करता है. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पहले ही देखती है कि जो उसका प्रॉपर बिजनेस का एसेंशियल नेचर है वो क्या था, और फ्यूचर में वो इसको क्या करना चाहती है. इन दोनों के डिफरेंस को स्ट्रेटजी का नाम दिया गया. यानी कि आप जिस वे में वर्कआउट कर रहे हो और आने वाले फ्यूचर में आप किस तरीके से वर्कआउट करना चाहते हो, तो इसका जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए आपकी तरफ से जो गेम प्लान डेवलप किया जाता है उसको आइगर एच एंसॉफ ने स्ट्रेटजी का नाम दिया. That definition is very clear. Next definition was given by the William F. Gluck. Gluck ke according, strategy is a unified, integrated and comprehensive plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved. To ek tarike se inhone isko ek game plan ke form mein hi define kara, lekin ye game plan kaisa hota hai, ये यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है
और कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे कि जो एंटरप्राइज है उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, उसकी एनसीओटी दी जा सके उस गेम प्लान के बेसिस पर। तो हम ऐसे यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव गेम प्लान को स्ट्रेटजी का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लूक। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी है इट इज अ जनरल डायरेक्शन सेट फॉर द कंपनी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स टू अचीव अ डिजायर्ड स्टेट इन द फ्यूचर। स्ट्रेटजी रिजल्ट्स फ्रॉम द डिटेल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस। यानी कि कंपनी क्या करती है, अपने लिए एक जनरल डायरेक्शन को सेट करती है और इसके जो भी वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनके लिए भी एक जनरल डायरेक्शन को सेट किया जा सके, और इस जनरल डायरेक्शन को इस तरीके से सेट किया जाता है जैसे कि फ्यूचर में जो उसकी डिजायर्ड स्टेट है यानी कि जो स्टेट वो अचीव करना चाहती है फ्यूचर में उसको वो इन डायरेक्शंस के बेसिस पर प्रॉपरली अचीव कर सके। और जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस को फोकस करना होता है डिटेल में, और इस डिटेल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस के बेसिस पर स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है, और उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर जो डिजायर्ड स्टेट है फ्यूचर में वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली अचीव कर सकती है। यानी कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट पोजीशन को जज करती है, करंट पोजीशन को इवेल्युएट करती है, और फिर वो ये डिसाइड करती है कि फ्यूचर में वो किस पर्टिकुलर पोजीशन को अचीव करना चाहती है। करंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन के गैप को प्रॉपरली स्टडी किया जाता है, और उसे स्टडी करने के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है या उसके अकॉर्डिंग एक गेम प्लान डेवलप करती है कि किस तरीके से उस फ्यूचर स्टेट को अचीव किया जा सकता है। तो फ्यूचर स्टेट को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गेम प्लान ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा रहा है उसे हम स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। स्ट्रेटजी का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या फिर वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है उसको भी प्रॉपरली फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली अफेक्ट कर रहे हैं उसके उस डिजायर्ड स्टेट को अचीव करने में। जो जो फैक्टर्स फॉलो किए जा सकते हैं उन सारे फैक्टर्स को फोकस करते हुए जब ऑर्गेनाइजेशन अपना गेम प्लान डेवलप करती है तो हम उसको एक स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। सो इट इज क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रेटजी। थैंक यू।